Hello kids, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and hope you all are enjoying. So kids, today we are going to study General Knowledge, Chapter number 26. Are you all ready for the class? So open page number 3030 of your GK book and chapter number 26. So let's start with our chapter. आप देख के ही समझ गए होंगे. But इस chapter में करना क्या है? पहले ये सुनिए. Identify these persons from the uniforms and write their names using utility box. आपको इन persons को पहचानना है उनकी uniform से और utility box आपकी help करेगा इसमें. ये आपका utility box है, ये आपकी इसमें help करेगा. ठीक है? So are you ready? Okay. First one is, इन्हें हम easily recognize कर सकते हैं. ये हमें बहुत easily दिखते भी हैं. लाइट ग्रीन कलर की इनकी यूनिफॉर्म होती है. यहाँ पे स्टार्स होते हैं शोल्डर्स पे, हेड पे कैप होती है, हैंड में स्टिक एंड यहाँ पे वेस्ट पे बेल्ट होती है और यहाँ पे साइड पे गन लगी होती है. सोचो कौन है ये, कौन है? यहाँ पे बैच भी लगे होते हैं. जल्दी से रिकग्नाइज करिए और बताइए ये लाइट ग्रीन यूनिफॉर्म किसकी होती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड हम ऑप्शंस में जाएंगे एंड हम ऑप्शंस में सबसे पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस मैन, तो हम वहां पे भी लिख देंगे. ओके, फर्स्ट आंसर इज पुलिस मैन, PULICEMAN. फर्स्ट आंसर इज पुलिस मैन, रिटन ऑल ऑफ यू. ओके, सेकेंड वन इज, ये भी आपको देखने को मिलते रहते हैं, न्यूज भी आती रहती है इनकी बहुत. सोचिए, ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म होती है बट पैचेस पैचेस वाली यूनिफॉर्म होती है. यहाँ पे बेल्ट होती है एंड उनकी गन यहाँ पे साइड में नहीं होती, उनकी गन बैक पे होती है और गन बहुत बड़े वाली होती है. एंड उनकी हैट होती है, कैप नहीं होती, उनकी हैट होती है. और सोचिए कौन है वो, सैल्यूट कर रहे हैं. जल्दी रिकग्नाइज करिए. वेरी गुड, सोचो. Absolutely correct. अब हम options में जाएंगे एंड हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन भी given है, आर्मी मैन. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे ARMY, आर्मी, MAN, मैन, आर्मी मैन. डन. ओके, थर्ड वन इज, सोचिए जो एरोप्लेन्स आपके चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं. जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह ड्राइव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते जाते हैं उन लोगों को, कि वो कहाँ पे है, कौन सी जॉब है उनकी. सोचो. वाइट कलर की ड्रेस होती है, यहाँ पे हेडफोन्स लगे होते हैं एंड वाइट कलर की ही उनकी कैप होती है. सोचिए, रिकग्नाइज करो. ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में है एयर फोर्स मैन. जो एरोप्लेन्स उड़ाते हैं हमें यहीं से ही पता लग रहा है, उस पर लिखा हुआ भी है एयर फोर्स मैन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वाइट कलर की उनकी ड्रेस होती है, वी विल राइट एयर फोर्स, यानी कि वो एयर के उसमें काम करते हैं ना, एरोप्लेन वाले उसमें. तो इसका आंसर है एयर फोर्स मैन. ओके, डन. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सोचिए अब इनकी क्या, उनकी क्या थी, वाइट कलर की ही ड्रेस थी और वाइट कलर की ही कैप थी. अब ये है इनकी वाइट कलर की यूनिफॉर्म है बट यहाँ पे ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की स्ट्राइप्स होती हैं और डार्क ब्लू कलर की इनकी कैप होती है. तो डार्क ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है, सोचो. डार्क ब्लू कलर से हमें पता लगता है ये वाटर का कलर है. ठीक है, डार्क ब्लू जो है वाटर का कलर है, तो ये वाटर से रिलेटेड है. वाटर में जो रिवर्स वगैरह में जो बड़े बड़े वो होते हैं, रिवर्स होती हैं, उनमें जो शिप्स चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चे नेवी मैन. और इनकी नेवी मीन्स भी होता है ब्लू एंड इनकी ड्रेस का कलर की यहाँ पे जो उनकी शोल्डर पे लगा होता है ये भी ब्लू कलर का होता है और उनकी जो कैप होती है वो भी ब्लू कलर की होती है. So he is a Navy man, NAVY, Navy
MAN मैन क्या बन गया, नेवी मैन। अब ये सोच सके तो हर किसी को पता है ना, क्योंकि हम जब कहीं पे भी जाते हैं तो ये तो पुलिस मैन हमें दिखते ही दिखते हैं, है ना, हर जगह दिखते हैं। सोचो सोचो, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है वहीं पे ये दिखते हैं। ब्लू कलर की इनकी कैप होती है एंड ब्लू कलर की नीचे की पैंट होती है, वाइट कलर की शर्ट होती है, इनके माउथ में विसल होती है, विसल बजाते हैं एंड ये ऐसे ऐसे करते हैं। सोचो सोचो कौन है, हु इज ही, इज अ ट्रैफिक पुलिस मैन जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो वो होते हैं ट्रैफिक पुलिस मैन, TRAFFIC ट्रैफिक, POLIC पुलिस, MAN मैन ट्रैफिक पुलिस मैन। ओके नेक्स्ट वन इज, अब ये देखिए इनकी यूनिफॉर्म क्या थी आर्मी मैन वालों की, ग्रीन कलर की पैचेस वाली, और जो इनकी यूनिफॉर्म है इनके हैंड में भी बड़ी सी गन, ऊपर हैट है एंड नीचे जो यूनिफॉर्म है पैचेस वाली ही है, बट ये है ब्लू कलर की, ये आर्मी मैन से ऊपर वाली पोस्ट पे होते हैं। ये कौन है होते हैं, ये होते हैं बच्चे RPF विमेन। विमेन क्यों है, क्योंकि ये एक लेडी है इसलिए, अदरवाइज आता है RPF मैन। ये है RPF विमेन, ठीक है, जिनकी डार्क ब्लू पैचेस वाली ड्रेस होती है वो होते हैं RPF विमेन, एंड जिनकी ग्रीन पैचेस वाली होती है वो होते हैं आर्मी मैन, ठीक है। अब आपने इनकी ड्रेसेस से इनको रिकॉग्नाइज करा है, होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, मैम को असाइनमेंट सेंड करना है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।